कांग्रेस पार्टी की जन जागरण पदयात्रा सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में पहुंची। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। खबर रीवा जिले के सिरमौर से है, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन एवं जिला कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिरमौर के आयोजकत्व में 14 नवम्बर 2021 से निरंतर चल रही महंगाई, बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार को लेकर जिला रीवा ग्रामीण अध्यक्ष त्रियुगी नारायण शुक्ला भगत जी, सिरमौर विधानसभा के लोकप्रिय कांग्रेस नेता एवं रीवा जिला ग्रामीण कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश सिंह जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिरमौर के अध्यक्ष सिद्धनाथ पांडे जी एवं सिरमौर जन जागरण पदयात्रा के प्रभारी गजेंद्र दुबे जी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में जन जागरण पदयात्रा आज 29 नवम्बर 2021 को उमरी मोड़ से भाजपा की प्रदेश एवं देशी की जन विरोधी सरकार के खिलाफ नारों के साथ रैली निकाली गई। यात्रा के दौरान हर पंचायतों में जनसंवाद हुआ। ग्राम पंचायत टाटा बदराव गौतमान पूर्वा एवं डिहिया में जनसंवाद के बाद जन जागरण पदयात्रा का समापन किया गया। इस जन जागरण पदयात्रा में प्रमुख रूप से रीवा जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष त्रियुगी नारायण शुक्ला भगत जी, सिरमौर विधानसभा के लोकप्रिय कांग्रेस नेता एवं जिला ग्रामीण कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश सिंह जी, सिमरिया विधानसभा के लोकप्रिय कांग्रेस नेता एवं जिला गृह मंत्री एवं सिरमौर विधानसभा जन जागरण पदयात्रा के प्रभारी गजेंद्र दुबे जी तथा सिरमौर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धनाथ पांडे जी, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन जिला अध्यक्ष रीवा एवं मनगवा कांग्रेस नेता महेंद्र राम खिलावन निरत, पूर्व विधायक त्योथर राम गरीब वनवासी आदि कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गण प्रमुख रूप से मौजूद रहे। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद।